तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका रुचि डे 5 की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा तुम्हारे भाई ने यहाँ पर ट्रेवर के साथ मिलकर मिनी मद्रासो को फाइनली हमने खत्म ही कर दिया और उसको पूरी लॉस सैंटोस की उसकी जिंदगी ही खत्म कर दिया हमने पूरी लॉस सैंटोस से। अपनी फैमिली भी अपने पास वापिस आ चुकी है। बस यार, अब एक ही बंदा गायब है, वो है जिमी। और सीजे टोमी का भी कुछ भी अता पता नहीं है और बाकी जो दो अपने एजेंट है उनका भी कुछ भी अता पता नहीं है। तो चलो यार, ये जो कोट है हमने कल डाल रखा था तो जल्दी से ना पहले इसको हम लोग बदल लेते हैं। तो जल्दी से ना अपने क्लोथ वगैरह चेंज हम लोग यहां से कर लेते हैं। तो चलो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना, माइकल ने ब्लैक कोट पैंट डाल लिया और यहाँ पर ना यार ब्लैक कोट पैंट ना माइकल पे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। तो चलो यार, इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर गाइस यार, चैनल को भी जरूर सुना गाइस, सब्सक्राइब कर दो। 1,40,000 के किनसेन फैमिली के बहुत ही क्लोज है। और हाँ गाइस यार, डिस्कॉर्ड अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो जल्दी से ना उसको भी जाकर ज्वाइन कर लेना। और एक बार यार मैं जल्दी से ना आपको अमेंडा और ट्रेसी दिखा देता हूँ, और वो इस समय पूरी सही है दोनों की दोनों, और बाहर तरफ ही कहीं बैठी हुई हैं और यहां पर है। तो चलो यार, जैसे आप देख ही रहोगे ना, सामने की तरफ यहां पर है ये दोनों लोग। और एक तो बस यार जिमी का कुछ भी आता पता नहीं है, बस यार वो मिल जाए ना फिर बस अपनी ना सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और हमने ट्राई करना कि हम लोग ना बिना रोबरी और बिना क्राइम कर अपनी बाकी की जिंदगी निकालें अब यहां से। तो चलो यार, जैसे कि आप यहां पर देख रहोगे ना गाइस, हमने गाड़ी परचेज करी थी कल और यार उसको हमने $20 मिलियन दिए थे एक्स्ट्रा। और अभी अभी उसका कॉल आया और वो कह रहा सर आपके जो $20 मिलियन है ना, तो जल्दी से आप उसकी कोई मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, और या आपकी गाड़ी में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप उसको सही करवा सकते हो। तो चलो यार, एक बारी मैं आपको अपनी गाड़ी की शक्ल दिखा देता हूं। आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने एक मर्सिडीज बाय करी थी और इसके जो आगे की तरफ देख रही हूं ये जो स्क्रैचेस वगैरह डल चुके हैं ना, कल मिनी मद्रासो की ना लैम्बोर्गिनी सियान जो कन्वर्टेबल गाड़ी थी यार, ओपी थी गाड़ी उसकी, और उसको पकड़ते पकड़ते ना गाइस इतने ज्यादा यहां पर ना स्क्रैच वगैरह डल चुके हैं। तो चलो यार, अब जल्दी से ना अपनी ये वाली गाड़ी लेकर हम लोग चलते हैं शोरूम की तरफ। तो चलो यार, कल की वीडियो में मैं इंटीरियर दिखाना इस गाड़ी का भूल गया था। तो सबसे पहले गाइस यार, आपको मैं इस गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूं। वैसे इंटीरियर इतना भी ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल इंटीरियर है, और ये पूरी 4 सीटेड गाड़ी है। तो यार सही है भाई, फर्स्ट टाइम हमने मर्सिडीज परचेज करी है, वो भी खुद के पैसों से। तो जल्दी से ना इसको बाहर की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। एक तो जो इसका साउंड है ना, जो क्रैकिंग का आवाज आता है ना इसमें, वो बहुत ज्यादा ओपी लगता है यार। ऊपर से जो इसकी स्पीड है यार, उस पर भी एक बार नजर मारो ध्यान से, 300 तो आराम से ना पार कर जाती है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपनी गाड़ी को हम लोग भगा कर चलते हैं सीधा शोरूम की तरफ। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना, हम लोग उस शोरूम के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। और भाई साहब, ये है वो शोरूम, आपको वैसे याद ही होगा लास्ट टाइम। तो जल्दी से ना अपने को इसके सीधा पार्किंग वाले सेशन में चलना चाहिए, और जहाँ से ना हम लोग अपनी गाड़ी को रिपेयर वगैरह करवा सकते हैं। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को अपनी मर्सिडीज लेकर जानी पड़ेगी, और ये भी सोचेंगे कि कल ही बंदे ने परचेज करी है पूरे $200 मिलियन की, और उसके बाद इतनी ही ज़्यादा ठोक कर ये गाड़ी ले आया ना, और अपने को अब क्या करना चाहिए यार। जल्दी से ना हॉर्न मार के उसको पूछ लेते हैं। तो चलो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहोगे ना, ये बंदा कह रहा है कि सर आप अपनी गाड़ी को ना बैक कर ना सीधा अंदर की तरफ ले जाओ। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना हम लोग लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी को अंदर की तरफ। और इसके अंदर लास्ट टाइम ना एक गाड़ी थी शायद से ना, वही लोगों ने डिलीवर कर दी होगी, और अपने को ना अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करना। और ये देख रहे हो ऊपर की तरफ फैन लगा हुआ है, और शायद से कोई गाड़ी का इंजन वगैरह स्मोक दे देता तो ये सारा फैन ना उसके एग्जॉस्ट की तरह काम करता है। तो चलो सही है यार, गाड़ी तो हमने खड़ा दिया, अब हम इस बंदे से पूछ लेते हैं कि तुम्हारा बॉस कहां पर है। तो चलो यार, अब जल्दी से बता भी दो ये क्या हेडफोन लगाकर क्या काम कर रहा है, गाने सुन रहा कि क्या कर रहा है यार। तो चलो यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये बंदा कह रहा है कि हमारे सर आगे की तरफ ही हैं, और आप सर यार वहाँ पर जा सकते हो। और वैसे आपने इस गाड़ी का क्या हाल कर दिया, कल ही आप लेकर गए हो। तो हमने बोला हमारा यहाँ से निकलते एक एक्सीडेंट हो गया था, जिस करके वहाँ पर ना एक ट्रक अपने गाड़ी के बीच में बच गया था, और अपनी जो गाड़ी है उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह डल चुके हैं। ओ भाई, सामने की तरफ ही खड़ा है इनका बॉस, और यहाँ पर ना गाड़ी तो वही है शायद से ना, इनकी यार गाड़ी हमने खरीदी अभी तक। और इसको देख लो भाई, ये अलग ही यहाँ पर डांस करने में लगी हुई है। और देख रहे हो यार, वैसे गाड़ी ना अभी तक कोई भी सेल नहीं हुई है, और जो हमने खरीदी थी वही यहाँ पर इनकी गाड़ी बिकी अभी तक। तो चलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये यहाँ का बॉस है, और ये कह रहा सर आपकी गाड़ी कैसी चल रही है। तो हमने बोला यार दिक्कत तो कोई नहीं है, उस पर थोड़े बहुत ना स्क्रैच डल चुके हैं, बस एक बार ना वो सही करवाते हो तो अपने लिए वो बहुत ही अच्छा काम होगा। और ये कह रहा सर आप गाड़ी कर लेके गए हो और स्क्रैच उस पर कैसे डल चुके हैं यार। तो हमने बोला यार हमें भी नहीं पता, हम जब यहाँ से जा रहे थे तो एक ट्रक बड़ी तेज अपनी गाड़ी के बीच में ठुक गया कर। तो ये कह रहा है यार एक बार ना हम उसको देख लेते हैं कि स्क्रैच कैसे हैं, अगर उसके अपने पास पार्ट अवेलेबल हुए तो हम लोग उसको अभी सही कर देंगे, नहीं तो
अपने को शाम भी लग सकती है सही होने में, वैसे इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं मुझे लग रहा है कि ये सही तो कर ही देंगे। तो चलो गाइस, एक तो इसकी जो चलाई है देख रहे हो कैसे चल रहा है इतना ज़्यादा चौड़ा होकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो जल्दी से ना हम लोग भी चलते हैं। और भाई जल्दी आ जाए यार, इतना ही ज़्यादा चौड़ा होकर चल रहा है ना। उससे पहले तो माइकल ही पहुँच चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे आप देख ही रहे होगे ना यहाँ पर ना ये इसको देख रहा है कि ये बंदा गाड़ी कर लेके गया और स्क्रैच ही आज डाल कर लेके गया, क्या ही बंदे की ड्राइविंग है यार इसकी। तो चलो यार, वो बॉस भी यहाँ पर आ चुका है, तो जल्दी से ना अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा इस गाड़ी को देखने के बाद। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप देख रहे होगे ना ये बंदा भी ना गाड़ी को बस ध्यान से देखता ही आ रहा है, और ये भी सोच रहा होगा कि ये बंदा कहीं लेकर गया है और आज ही कांड कर ले आया है। तो चलो यार, वैसे अपनी गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी अगर थोड़े से पैसे लगेंगे तो, अपने पास तो पैसे है नहीं है, पर जो इनको $20 million एडवांस दिया था उसके बीच में से ना अपनी गाड़ी रिपेयर हो सकती है यहाँ पर। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे ना ये जो बॉस है ना अपने को एक अपने दूसरे शोरूम पर लेके जा रहा है, और ये कह रहा है जो आपकी सर गाड़ी है उसमें तो टाइम लगने वाला है, तब तक ना मैं आपको दूसरा शोरूम दिखा देता हूँ, और वहाँ पर ना वैसे सुपर कार्स तो नहीं है पर छोटी मोटी कार्स हैं शायद से आपको पसंद आ जाए। और मुझे लग रहा है कि यार इसकी ना गाड़ियाँ बिकती नहीं है, जिस करके ना ये यहाँ पर ना तंग हुआ पड़ा है धक्के से सबको गाड़ियाँ चिपकाने में। तो चलो यार, यहाँ पर ना ये आ रहा है, तो जल्दी से ना ये कह रहा है ये जो वाइट वाली गाड़ी है ना सर, एक बार ना आप इसमें बैठ जाओ, अगर आपको ड्राइव कर लोगे, जैसे तुमने उस गाड़ी का हाल करा वैसा मत करना, पर अगर आप ड्राइव कर लोगे तो जल्दी से आप ड्राइव कर लो, और मेरा सिक्योरिटी वाला भी पीछे बैठ जाएगा और मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा। तो चलो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पर ड्राइव कर लूँगा। वो तो सिचुएशन ऐसी थी जो मिनी मद्रासो था ना, तो गाइस यार उसको हम रोकते रोकते इतनी ज़्यादा टक्कर मारी है उसमें, तब करके अपनी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह डल चुके हैं। और सर बैठ जाओ यार, आप भी देख रहे हो अलग ही चोड़ में ये बंदा भी है। तो चलो यार, फाइनली ये सिक्योरिटी वाला भी अपने साथ जाने वाला है, और यहाँ पर ये जो बॉस है ना ये कह रहा है कि जल्दी से ना मेरा एक शोरूम है और बस बहुत ही क्लोज है, तो जल्दी से माइकल तू वहाँ पर निकाल दो इसको। यार मैंने अपना नाम भी यहाँ पर बता दिया कि मेरा नाम माइकल है। वैसे ये बंदा भी सही है, वैसे अपने को इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, और बस गाइज ये ना तब परेशान है क्योंकि इसकी गाड़ियाँ वगैरह बिकती नहीं है, और ये अपने को कब से कह रहा है कि अगर आपको सर और गाड़ी चाहिए तो मैं डिस्काउंट में दे सकता हूँ, और अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह ने खरीदनी हो गाड़ी तो जरूर से ना आप हमारी शॉप के बारे में उनको भी बताओ। तो सही है यार, इसकी ना गाड़ी वगैरह नहीं बिक रही है, तब ये बंदा परेशान रहता थोड़ा सा। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप देख रहे होगे ना हम लोग इसके दूसरे शोरूम पर आ चुके हैं जिसका नाम है वैपिड ऑफ लॉस सैंटोस। तो जल्दी से ना अपने को यहाँ पर अपनी गाड़ी लगानी है, और ये पहले ही अपने को कह रहा था कि यहाँ पर ना इसकी ज्यादा लग्जरी गाड़ियाँ और स्पोर्ट्स कार तो यहाँ पर नहीं मिलेंगी। अगर माइकल किसी तेरे फ्रेंड को कोई बजट गाड़ी चाहिए होगी जैसे नॉर्मल हो बिना किसी ब्रांड की, जैसे डुप्लीकेट सी होगी, और वो भी ये लोग अरेंज करवा देते हैं, जैसे अपने को मस्टैंग चाहिए और अपने पास यार इतने ज्यादा ऐसे नहीं है, तो ये मस्टैंग की हूबहू कॉपी उसको ही सस्ते में ये लोग निकलवा देते हैं और दिलवा देते हैं बंदे को। तो चलो यार, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और ये शोरूम ना मैंने बाहर से तो देख रखा है। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो वैपिड शोरूम है ना, मैंने बाहर से तो बहुत बार देख रखा है पर अंदर तो मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इसके। और यहाँ पर ये जैसे कि कह रहा था ना वैपिड कार्स और भी हैं इसके पास, एक वैपिड एक गाड़ियों का ब्रांड है जिसके नाम पे इसने शोरूम खोल रखा है यहाँ पर। तो सही में यार, और यहाँ पर भी डॉज बिल्कुल वैसी गाड़ी है, बिल्कुल डुप्लीकेट में थोड़ी, और ये भी ना वैसे पार्ट्स वगैरह वही डालेगा और ये थोड़े बजट में देगा, और ये शोरूम ना इसके शायद से लड़के का है। तो सही में भाई, इसके शायद कोई कस्टमर वगैरह आए पड़े हैं, तो अभी तो अपने को कुछ भी नहीं चाहिए। तो यार वैसे शोरूम तो बहुत ज्यादा ओपी है इसका दूसरा वाला भी। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ना अभी अभी अपने को डॉक्टर मैग्नस का कॉल आया, और वो कह रहा है माइकल तू ना यार जहाँ भी है तू अपने घर में छुप जा, कहीं अगर घर पर है तो कहीं बाहर चला जाए। तो हमने बोला क्या हो गया, और ये कह रहा मिलिट्री के कर्नल के बिल्कुल भी ना नज़दीक मत आ जाना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये नहीं पता कि वो गुस्से में इतना ज़्यादा क्यों है। और बस मैं माइकल तुझे बता रहा हूँ, एक बार भी अगर तू मिलिट्री के हाथ में आ गया ना तो तुझे वो लोग ना पूरा मार कर रख देंगे। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही गाइस यार, मिलिट्री के कर्नल को तो हमने कुछ बोला भी नहीं है, उसका मतलब पूरा हुआ, हमारा मतलब पूरा हुआ, उसके बाद अपना दोनों का क्या लेना देना है। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को सीधा ट्रेवर के पास चलना चाहिए कि क्या दिक्कत हो चुकी है या क्या पता यार उन्होंने कुछ कर दिया हो। तो जल्दी से किसी की भी गाड़ी चलेगी यहाँ पर, और वो तो नहीं देख रहा ना अपने को, तो नहीं यार उसको हमने बोल दिया कि सर हमें ना जाना पड़ेगा जरूरी काम है, और वो कह रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मैं तुझे अपना शोरूम दिखाने लेकर आया था, अगर किसी को भी कोई गाड़ी चाहिए होगी तो जरूर से ना हमारे शोरूम के बारे में उसको बता देना। तो चलो सही है भाई, और उसके बाद जब हमने पूछा कि जो हमारी गाड़ी है उसके स्क्रैच वगैरह हट जाएंगे, तो वो कह रहा है यार वो तो शाम तक ही हटेंगे क्योंकि जो पार्ट्स है ना मर्स
मर्सिडीज ब्रांड के आज ही हमने ऑर्डर करे हैं और वो आते ही होंगे, तो शाम को ना तुम्हारी गाड़ी तुम्हें पूरी ना पूरी ब्रांड न्यू मिल जाएगी। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, अभी अपनी ट्रैवल से बात हो चुकी है और वो कह रहा है कि हम लोग ना यहाँ पर पार्क में है और माइकल जल्दी से ना आ जा। और वो पार्क सिमियन की शॉप के पास है और ये वाला पार्क है यार, मुझे पता कि कौन से वाले पार्क में आजकल ट्रैवल ज्यादा जा रहा है और मुझे नहीं पता कि यार ये वाले पार्क में ना आज तक क्यों आ रहा है वो बहुत ज्यादा। तो चलो गाइस जल्दी से ना उनके पास हम लोग चल पड़ते हैं। एक तो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ऊपर से ना भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई, फ्रैंकलिन को देख रहे हो यहाँ पर पूरा थक चुका है और ट्रेवर यहाँ पर आराम से टैब चला रहा है और बाकी अपना टॉम फ्रेंड यार देख रहे हो उसकी तो इन्होंने ना पूरी ऐसी की तैसी फेर रखी है। देख रहे हो उसको फ्रैंकलिन ना उसका ट्रेनर बना हुआ है और उसको ना पूरा कह रहा है कि मैं ना तेरी 10 दिन में पूरी बॉडी यहाँ पर तैयार करा दूंगा और ये बेचारा योगा कर रहा है यहाँ पर पुशअप्स वगैरह की जगह। तो सही है यार, वैसे फ्रैंकलिन की लुक तो आप देख ही रहोगे और बाकी इसकी जो बॉडी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सही है। और ये कह रहा है कि टॉम कह रहा है कि मैं पतला सा हूँ और मुझे भी फ्रैंकलिन तेरी जैसी बॉडी चाहिए। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना हम लोग मेन काम की बात करते हैं सीधा ट्रेवर से। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ट्रेवर अपने को कह रहा है कि ये क्या होगा, जैसे इसने भी फर्स्ट टाइम ही सुना, मुझे लगा कि इस काम में इसका हाथ होगा। और ये कह रहा है यार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मिलिट्री का कर्नल तेरे को क्यों ढूंढ रहा है और यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में और ये तो तेरे मुँह से मैं सुन रहा हूँ। और ये अगर तू माइकल सोच रहा है कि इसके बीच में कोई मेरा हाथ है और मैंने मिलिट्री को कुछ बोला है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो चलो यार अब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। एक तो जिमी के बारे में मैं उसको अभी कॉल करने लगा था मिलिट्री के कर्नल को, और ऊपर से यार वो है भी लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट, तो उसको बस मैंने इतना पूछना था कि अगर मिनी मद्रासो के बारे में उस तुझे तो सारा कुछ पता ही होगा कि उसकी जितने पैसे जितनी प्रॉपर्टी जितनी गाड़ियां कहां पर हैं, और ऊपर से अगर तू गाड़ी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताएगा तो अपने को बस अपने लड़के जिमी के बारे में बता दे और अपने फ्रेंड्स के बारे में बता दे, शायद से उसको पता ही होगा। पर डॉक्टर मैग्नस कह रहा कि उसके नजदीक भी मत जाना, अगर तुम लोग नजदीक जाओगे तो तुम्हें सीधा मिलेगी मौत। तो चलो यार अब जैसे आप यहां पर देख रहे हो ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ट्रैवल कह रहा जो तेरी मर्सिडीज है वो कहां पर है, और हमने इसको बोला कि वो तो हम लोग शोरूम में दे आए हैं। और बाकी बात ना ट्रेवर कह रहा है कि एक काम कर माइकल, अभी ना सारा कुछ छोड़ दे, जिमी भी सेफ होगा, अपने को मिल जाएगा, और सबसे पहले अपने को अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, मतलब घर ढूंढना पड़ेगा, जो अपना मेलूबी मेंशन है यार, ये कह रहा है कि वहां पर चलते हैं। और वो ना कल तो दिखा था अपने को और वो ना खाली लग रहा था, और जल्दी से ना उसके ऊपर चलते हैं क्योंकि अपनी गाड़ियां भी वहीं पर होंगी। तो जल्दी से ना गाइस अपने को सीधा अपने मेलूबी मेंशन पर चलना पड़ेगा, और एक बार अपना मेलूबी मेंशन अपने हाथ में आ जाए ना तो अपने तो इतनी ज्यादा गाड़ियां उसके अंदर है और बाकी मेलूबी मेंशन भी इतना ज्यादा तगड़ा है और फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है और अपने को एक बड़ा सा घर मिल जाएगा अपना वापस से। तो चलो यार ये पता नहीं किसकी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल खटारा सी गाड़ी है, अभी हम लोग मर्सिडीज में घूम रहे थे और बाद में यार पता नहीं किस बंदे की गाड़ी चला रहे हैं। चलो यार अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा मेलूबी मेंशन की तरफ। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हम लोग अपने मेलूबी मेंशन के बहुत ही क्लोज पहुंच चुके हैं और सामने की तरफ अपना मेलूबी मेंशन अपने को दिख चुका है। अब चलते हैं यार सीधा सीधा इसके अंदर। तो चलो गाइस अब खुल गया जल्दी हमेशा की तरह, और एक सेकंड ये खुलने पे क्यों नहीं आ रहा भाई, खुल जाए, अपना ही घर है और खुद ही गेट नहीं खुल रहा इसका, क्या सीन है यार, जल्दी से ना क्या पता जाम हो गया हो, इसको लात ही मारते हैं। और एक सेकंड ये तो खुलने पे नहीं आ रहा यार बिल्कुल भी, ये क्या सीन हो रहा है यार। तो देख रहे हो गाइस यार हम लोग ना कब से इस गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये गेट खुलने पे ही नहीं आ रहा। और ट्रेवर कह रहा है एक काम करते हैं यार माइकल, जो तेरे पास गाड़ी है ना सीधा उसको ठोक दे और ये गेट ही तोड़ देते हैं और फिर हम लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं। और एक ओ भाई ये कौन आ रहा अंदर से, एक सेकेंड गाइस यार ये कोई लेडीज आ रही है अंदर से, उसके हाथ में स्टिक है और ये अपने घर में क्या कर रही है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एक लेडीज अपने घर में और वो भी अकेली आ रही है एक स्टिक लेकर, और मुझे नहीं पता गाइस यार ये लेडीज कौन है। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ना, ये तो कोई ओल्ड वूमेन है और ये कह रही है क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे घर के बाहर, क्या ही गेट पर तुम लोग लात मार रहे हो, और तुम्हारी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरास हमने यहाँ पर लगा रखे हैं उसमें रिकॉर्ड तो हो चुकी है और तुम कौन हो, और हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा घर है और कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से बाहर गया हुआ था, और ये कह रही ऐसी बेकार बात तो कैसे कर रहा है, और तू पहली बात तो है कौन, ये घर मुझे मिनी मद्रासो ने बेचा था और इसमें एक गाड़ी भी थी और 3-4 गाड़ियाँ थी जो मैंने आगे बेच दी हैं, और उसमें से उसने मुझे ये घर के साथ ही गाड़ी फ्री में दी थी, बाकी ये जो घर है मैंने मिनी मद्रासो से पूरे $200 मिलियन में लिया था, और तू कौन होता है इस घर को अपना बोलने वाला, और तुम लोग यहां से निकल रहे हो कि नहीं निकल रहे हो, कि मैं अभी यहां पर पुलिस बुलाऊं। देख रहे हो गाइस यार ये जो लेडीज है ना, इस समय अपने को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अगर इसने एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना तो पुलिस के साथ साथ तो प्रेसिडेंट भी आएगा यहाँ पर। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि यार ये घर इस लेडीज को मिनी मद्रासो ने कैसे बेच दिया, एक तो अपनी निशान GTR थी और भी इतनी OP गाड़ियाँ थी ना,
ये घर उसके अंडर हुआ पड़ा है, पता नहीं गाइस यार इसने कैसे पैसे देकर ले लिया। वो तो है ये बुढ़िया से औरत, नहीं तो ना मैं इसके अभी चटनी बनाकर रख देता। ऊपर से इसने पुलिस की बात कर दी, अगर पुलिस को अपने बारे में चल जाएगा फिर पुलिस आएगी, फिर यार मिलिट्री का कर्नल है जो प्रेसिडेंट है वो भी अपने को पकड़ सकता है अगर उसको एक बार अपने बारे में पता चल गया। तो चलो यार यहाँ पर ना शाम हो चुकी है तो अपने पास कोई काम तो था नहीं करने को, फिर हमने उस बंदे को कॉल करा जिसका गाड़ी का शोरूम था और उसको हमने बोला कि अपनी मर्सिडीज सही हुई कि नहीं हुई। वो कह रहा यार उसको तो एक घंटा हो गया सही हुई को, आप सर आके ले जाओ। उसके बाद गाइस हम लोग अपनी मर्सिडीज को ले आए हैं और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, और ड्राइवर कह रहा कि मैं चलाऊंगा, तो यार इसको बिल्कुल भी हम लोग नहीं चलाने देंगे। और उसी के बाद गाइस अब भी हम लोग यहाँ पर आए थे और अपने को ना प्रेसिडेंट का कॉल आया और वो कह रहा माइकल तू है कहाँ पर पहले ये पता। तो हमने बोला हम लॉस एंटोस में है कि ऐसी क्या बात हो गई है। और हाँ गाइस यार प्रेसिडेंट से बात कर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा जैसे डॉक्टर मैग्नस कह रहा था कि वो तेरी जान ले लेगा और तुझे कब से ढूंढ रहा है तू कहाँ पर है। तो चलो यार वो अपने को प्यार से कह रहा कि माइकल अगर तू लॉस एंटोस में है तो जल्दी से ना मैं तुझे एक रेस्टोरेंट का नाम बता रहा हूँ, उस रेस्टोरेंट पे आ जा जल्दी से। तो चलो गाइस, और वो कह रहा ना वेपन के बिना आना और कोई भी लड़ाई नहीं होने वाली, ऐसी कोई भी बात नहीं, हम लोग प्यार से बात करेंगे और हो सके तो अकेले आना और किसी को भी साथ में मत लेकर आना। तो चलो यार ट्रेवर अपने को कह रहा है कि यार अकेला बिल्कुल भी नहीं जाना माइकल, तू एक काम कर मेरे साथ चल और यार मुझे ना अपनी गाड़ी दे दियो और मैं ना वहीं कहीं साइड में रुक जाऊंगा और तू उससे बात कर आ जाना। अगर कोई भी दिक्कत की बात हुई ना उस समय तू बस एक बार ना हल्का सा चिल्ला देना, मैं वहीं पर आ जाऊंगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को उस रेस्टोरेंट की तरफ चलना चाहिए, और वो जो रेस्टोरेंट है ना सिटी के बिल्कुल बीच में है। अब जल्दी से ना अपनी मर्सिडीज को यहाँ से भगा कर निकालते हैं और इसकी एक बार स्पीड देखो यार क्या ही तेज भाग रही है। सही में गाइस यार इसकी जो स्पीड है वो तो बहुत ज्यादा ओपी है और इसकी जो हैंडलिंग है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसके बीच में से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो जैसे आप देख ही रहे होगे ना इसकी जो स्पीड है यार मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथ गाड़ी है। और अगर हम लोग लेफ्ट मोड़ दे रहे हैं उसी समय लेफ्ट घूम जा रही है और हल्का सा राइट करें उसी समय राइट हो जा रही है। तो चलो यार अब जल्दी से इसको सीधा आगे की तरफ लेकर चलते हैं रेस्टोरेंट के पास। तो चलो गाइस यार जो रेस्टोरेंट पे अपने को प्रेसिडेंट ने बुलाया था हम लोग उस रेस्टोरेंट के बहुत ही क्लोज पहुंच चुके हैं और ये है गाइस वो रेस्टोरेंट। तो सही में भाई मैं ट्रेवर को कहीं लेकर आ चुका हूँ, तो जल्दी से ना पहले ट्रेवर को और इस गाड़ी को हम लोग छुपा देते हैं और यहाँ पर ना पूरी जगह ये सही रहेगी अपनी गाड़ी के लिए। तो जल्दी से ना ट्रेवर मैं तुझे एक बात कह रहा हूँ भाई, तू यहाँ पर ही रही हो, अगर कोई दिक्कत होती है मैं तुझे उसी समय कॉल करूंगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना अपने को सीधा प्रेसिडेंट के पास चलना चाहिए मिलने के लिए। बाकी मैं सारे वेपन अपने यहाँ पर रख के जाने वाला हूँ, बस एक पिस्टल अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो चलो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना माइकल के पास बस एक पिस्टल और कोई भी वेपन इस समय नहीं है। अगर यार मिलिट्री का कर्नल अगर कोई भी चलाकी करने की कोशिश भी करेगा ना तो सीधा हम लोग उसकी गेम ही बजा देंगे। वैसे यार देखा जाएगा जो भी होगा ना मौके पर वो अपने को काम करना पड़ेगा। और ये रेस्टोरेंट में भी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो जल्दी से ना चलते हैं। और वो मस्टैंग भाई किसकी मस्टैंग है देख रहे हो, येलो कलर की कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और देख रहे हो यार ये है वो रेस्टोरेंट। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना चलते हैं सीधा इसके अंदर की तरफ। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो मिलिट्री का कर्नल है ही है और हम ही सबसे पहले आ चुके हैं, तो एक बार ना बातचीत करते हैं इस बंदे से कि यार यहां पर अगर प्रेसिडेंट है तो अपने इससे बात करा दो। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे ना ये मुझे लग रहा था कि रेस्टोरेंट बस यहां पर चार पांच ही चेयर्स वगैरह और टेबल है। और ये कह रहा कि सर आप नीचे जा सकते हो, और उन्होंने बोला था अगर माइकल आएगा तो एक बार मेरे बारे में बता देना। तो ये देख रहे हो भाई ये तो नीचे की तरफ भी है पूरा रेस्टोरेंट, और मुझे तो लग रहा था कि यार बस ऊपर की तरफ ही है। तो चलो गाइस अब जल्दी से अपने को चलना चाहिए सीधा प्रेसिडेंट के पास। और इस बेचारे को देख लो यार तो बारी नहीं आ रही है, कब से वहां पर ना हाथ मुक्के मारी जा रहा है। अब ये प्रेसिडेंट कहां पर अपने को इसको देखना पड़ेगा। और ओ भाई साहब जैसे कि आप देख रहे हो ना भाई प्रेसिडेंट तो सामने की तरफ है, और ये कमाल की बात है इसके साथ तो इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो यार इससे बातचीत करते हैं इसने अपने को क्यों यहां पर बुलाया है। तो ओके गाइस यार मुझे ना सारी बात यहां पर समझ आ चुकी है, ये कह रहा मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूं और पहले हम फ्रेंड हुआ करते थे, वो तो अपना एहसान एक दूसरे का पूरा हो चुका है, पर जो तूने मिनी मद्रासो का कत्ल करा है उसके बात तूने मेरी आंखों के सामने वहां पर इतनी ज्यादा गोलियां वगैरह चलाई है ना, इसके अकॉर्डिंग तुझे लॉस सैंटोस में मुजरिम साबित करा गया है और तुझे यार जेल तो होकर रहेगी। और जब हम इसको पूछ रहे हैं जेल हमें कर देना, पहले हमारा जिमी जो लड़का है उसको वापस कर दो। और ये कह रहा है यार एक काम कर सौदा यहां पर भी करते अगर तू जेल चलेगा, और बदले में मैं अपनी पूरी मिलिट्री लेकर जिमी को ढूंढूंगा। पर यार इसका भी कुछ पक्का भरोसा नहीं है कि ये ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि इस समय तू यहां से तो भाग नहीं सकता, और ये कह रहा ऐसा तो तू
सोच भी मत, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ लॉस सैंटोस का। और जितने बंदे तो पीछे देख रहा है जो नॉर्मल बैठे हैं, ये नॉर्मल बंदे नहीं है, ये सारी मिलिट्री है यहाँ पर। तो चलो यार, अपने साथ तो बहुत ही ज्यादा बड़े वाला स्कैम हो चुका है यहाँ पर। और भाई साहब ने प्यार से अपने को बुला तो लिया, और बाहर की तरफ मैं भी देखूँ मिलिट्री की एक भी गाड़ी नहीं है, पर क्या ही पता यार, यहाँ पर तो पूरी मिलिट्री बैठी है। और ये जो रेस्टोरेंट है पूरा मिलिट्री वालों ने इसको बुक कराया अपनी मीटिंग के लिए, मतलब अपने को उन्होंने फंसा दिया। और जो ऊपर की तरफ भी जितने बंदे देख रहे हो सारे मिलिट्री वाले हैं, और ये कह रहा है इस समय तो तू फंस चुका है, और बिल्कुल भी नहीं, यहां से तू नहीं हो सकता है इसके, अब तो तुझे सीधा चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। और इस बात पे मुझे ट्रेवर याद आ रहा है यार, मुझे अगर यहां से जान बचानी है तो ट्रेवर ही अपने को बचा सकता है। और यार अगर मैं अभी इस समय फोन निकालूंगा तो इसको पूरा शक हो जाएगा अपने ऊपर। तो एक ना इसको बहाना देते हैं कि यार मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, बस मुझे टॉयलेट जा लेने दो। तो चलो यार, अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये कह रहा है कि तू बाइक पर चलेगा पुलिस वालों की या पुलिस की गाड़ियों में चलेगा, ये हेलीकॉप्टर बुलवाऊं तेरे लिए, बस तू इतनी बात बता दे। तो हमने बोला यार मैं सब में चलूंगा, चाहे पैदल चलेंगे, वैसे भी मैं प्रिजन में चलूंगा, बस यार मुझे ना बहुत यार तेज प्रेशर आ रहा है, एक बार मुझे टॉयलेट जा लेने दो बस यार, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कह रहा है तेरे पास बस 2 मिनट है, और वैसे भी तू यहाँ से भाग तो नहीं सकता। तो चलो यार, इसने अपने को 2 मिनट तो दे दिया, और ये कह रहा है ना तेरे पास बस 2 ही मिनट है, और यार यहाँ से तू वैसे भी नहीं भाग सकता, और वैसे भी तुझे मैंने बोला था वेपन नहीं लेके आए, तो वेपन तो तेरे पास नहीं होगा। और इसका दर्द मैं समझ सकता हूँ, देख रहा हूँ इसको तो प्रेशर पड़ रहा है, और ये बेचारे की बुक हुई पड़ी है सीट, और अपने तो सिर के ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है। तो जल्दी से ना यार मुझे ना पहले यहाँ से एस्केप होना पड़ेगा, और ये जो प्रेसिडेंट है ना गाइस यार, इसको ना वहीं पर रहने देते हैं। तो चलो यार अपना चोरी छुपे ना सीधा ऊपर की तरफ चलेंगे, और जब भी अपने को मौका मिला ना उसी समय हम लोग यहाँ से हो लेंगे एस्केप। पर यहाँ पर ना पूरी यार मिलिट्री है, तो जल्दी से ना अपनी पिस्टल काम आएगी। तो चलो गाइस यहाँ पर इसको जल्दी से बचा देते हैं। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, अब जल्दी से अपने को यहाँ से निकलना चाहिए। और ये तो क्या ही सीन हो गया यार, बिल्कुल शुक्र करो हम लोग पिस्टल अंदर की तरफ कर गए थे, और उसने अपनी जान बचा लिया। और यार वो भाई ड्राइवर यहीं पर खड़ा, तो भाई जल्दी बैठ फोन, क्या टाइम पास क्यों कर रहा, जल्दी आ जा। तो चलो गाइस यार, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ड्राइवर आ चुका है गाड़ी में, और भाई जल्दी बैठ अपने को ना इस, ओ भाई स्क्रैच डल गया। तो चलो यार अपने को ना यहाँ से अब जल्दी से निकलना चाहिए, और यार पहले तो मैं अपने घर चलूंगा, उसके बाद ना अमेंडा और ट्रेसी को घर से गायब कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गुस्से में हो जाएगा भाई साहब। वो ये रही मुस्टैंग। तो चलो यार, भाई साहब ने अपने को प्यार से बुला तो लिया था, और उसी समय शुक्र करो हम लोग लेकर गए थे पिस्टल। और यार उसने माइकल को शरीफ भी कैसे समझ लिया, हम लोग तो टॉयलेट का बहाना बनाकर सीधा वॉशरूम की तरफ ही जा रहे थे, और जब भी अपने को टाइम मिला हम लोग वहां से ही हो चुके थे एस्केप। तो चलो यार, अब मुझे ना यार कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मैं और मेरी फैमिली रह सके, और यहां पर ना अपने को ट्रेवर और फ्रैंकलिन से पैसा उधार मांगना पड़ेगा। और अगर एक बार ये लोग पैसा अपने को दे देंगे ना, तो हम लोग एक छोटी सी जगह ले लेंगे, छोटा सा घर ले लेंगे यहां से बहुत ज्यादा दूर। और जब भी मैं सोच रहा ना गाइस यार, अब बिना किसी क्राइम के हम लोग लॉस सैंटोस में रहेंगे, तो अपने तो यार उल्टा ही सीन हो रहा है। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर जाकर लाइक कर देना, लाइक में पूरे 15,000 लाइक का। चैनल पर नए चैनल को भी गाइस यार जरूर से सब्सक्राइब कर दो, 1,40,000 की इंसेन फैमिली के बहुत ही क्लोज है। और हां यार, डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर से कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। जो अपना सेकंड चैनल है मयंक इज लाइव, उस पे भी हम लोग लाइव स्ट्रीम की ट्राई करेंगे, वीडियोस की भी ट्राई करेंगे। आपको कौन सी गेम्स की वीडियो पसंद है तो जरूर से बता देना, उसको हम लोग दूसरे चैनल पे जरूर से ट्राई करेंगे। तो चलो यार, मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।